तो गदर टू कल दिया था, क्या उसका रिव्यू आप देख सकते हैं, जहां आई बटन पे उसको दे दिया हूं। लेकिन OMG 2 की बात करते हैं, इस पर इतने सारे वीडियो मैंने बनाया है भाई साहब, क्या बताऊं, इस पर जो है आपका रिस्पॉन्स तो अच्छा है नहीं, लेकिन वही बात है कि वही बात जो कि सोच के गया था जल्दी ही रिव्यू खत्म कर दूंगा इसका, ज़्यादा झलवाएंगे नहीं, वही बात है कि सेक्स एजुकेशन के नाम पर आपको क्या दिखाया जाएगा, LGBTQ एजेंडा बोला था, लेकिन वो तो कम कम दिखाया गया, आपको मास्टरबेशन को जो है एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये तो आम क्रिया है, बड़े बड़े वेदों का रेफरेंस देते हमारे पंकज त्रिपाठी जी, शुद्ध हिंदी की बात करते हैं पंकज त्रिपाठी जी, लेकिन उन बड़े बड़े वेदों का जिनका रेफरेंस दिया जा रहा था, बड़े बड़े शास्त्रों का, उनमें जो लिखा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको इतने घटिया तरीके से दिखाया जाएगा। सेक्स एजुकेशन आप बता रहे हो, बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन धर्म अर्थ और काम मोक्ष में जो काम है उसको क्या बताया जा रहा है, लस्ट हवस क्या यही होता है, वासना इसका मतलब यही होता है क्या। धर्म अर्थ और काम और मोक्ष में धर्म का अर्थ होता है कि जीवन किस तरह से दिया जाए, अर्थ का मतलब होता है कि किस तरह से आप देखें धर्म के मार्ग में चलते हुए आप किस तरह से अर्थ अर्जित करेंगे, अर्थात आप किस तरह से जो है धन संपत्ति कमाएंगे, और उस प्रकार से काम अर्थात किस प्रकार से उसको अच्छे कार्य में लगाएंगे जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो है सनातन में जो है वर्णन होता है। इसको काम को आप किससे जोड़ रहे, लस्ट, लस्ट सिर्फ लस्ट है काम, जबकि काम का अर्थ होता है कामना, आपकी इच्छाएं जो होती है, किस प्रकार सांसारिक जो मोह माया होता है उस सब चीज को आपको नियंत्रित करना है, इसका अर्थ होता है काम से। अब इसको सिर्फ लस्ट के तौर पर दिखा रहे हैं और यहीं दिखाते हैं पंकज त्रिपाठी बड़े बड़े डायलॉग बोल के यामी गौतम चुप करा देते हैं, यामी गौतम सिर्फ वहां खड़ी रह जाती है। और क्या बात करें, मास्टरबेशन जैसे इतने जो है सीरियस जो है टॉपिक को उठाया गया है और उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया भाई साहब, ये तक नहीं बोला गया है कि ज़्यादा हो तो बुरा है, या तो बुरा ही नहीं बोला गया भाई साहब, इसको शुद्ध रूप से एकदम वाइट वॉश कर दिया गया है कि ये तो कोई गलत काम ही नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ है कि इससे तो जो है आदमी का जो डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा हार्मोन आता है, आपका स्ट्रेस कम होता है सच में। तो बड़े बड़े पुराणों का जिनका आप रेफरेंस दे रहे थे पंकज त्रिपाठी जी OMG 2 वालों और जिन्होंने इसको बनाया है, अच्छा चंद्रकांत द्विवेदी जैसे जो है इसको बनाने वाले जो है OMG 2 के मेकर्स हैं, उनको हम यही कह पूछना चाहेंगे कि आप बड़े बड़े शास्त्रों का रेफरेंस दे रहे हैं, आप बड़े बड़े जो है धर्म ग्रंथों का रेफरेंस दे रहे हैं, 4 वेदों का, 18 पुराणों का, संहिताओं का और अनगिनत धर्म शास्त्रों का आप यहाँ पे जो है रेफरेंस दे रहे हैं, तो धर्म शास्त्रों में जो लिखा गया है श्री कृष्ण ने जो वर्णन किया भगवद गीता में, महादेव जी ने शिव पुराण में वर्णन किया है, माता पार्वती जी उन्होंने बताया है कि वीर रक्षा के परिणाम क्या होते हैं, उससे क्या लाभ मिलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, पितामह भीष्म से आप उदाहरण ले सकते हैं महाभारत में कि वो किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते और कितने स्वस्थ और कितने वो जो है शक्तिशाली होते हैं, तो इसका जो लाभ बताया गया पुराण में उसको नहीं बताएंगे, इन्हें बोलना है कि मास्टरबेशन तो नॉर्मल बात है सभी करो, इससे भाई क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं, सबसे पहली तो आधे से ज़्यादा लोगों को केवल अक्षय कुमार के मुंह भगवान शिव के जैसा दिख रहे हैं, इसलिए वो जाकर देख रहे हैं, ऐसे कि वो पहले भगवान शिव बने भी थे लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसको जो है बैन कर दिया, चेंज कर दिया, वो समझ में आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मूवी देखने जा रहे हैं उनको ये तक पता नहीं है कि इसमें दिखाया क्या जाने वाला, वो पागल हो जा रहे कि क्या दिखा रहा है, वो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को। वही बात है कि भारतीय सिनेमा के लिए, भारतीय ऑडियंस के लिए ये जो टॉपिक है अभी जो है संवेदनशील है, आप इसको जो है टच नहीं कर सकते अभी, और डायरेक्ट आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हो मास्टरबेशन जैसे एडिक्शन को, जो कि आज के यूथ है, जो कि टीनेजर्स हैं, वही जो है ज़्यादा इस मूवी को देखने जा रहे हैं, उनको जो है आप जो है नॉर्मलाइज करके दिखा रहे हो, तो सोचो आने वाला भविष्य जो है किस ओर जाएगा, टिकटॉकर्स की जो है आप पीढ़ी खड़ा करना चाहते हो कि सभी जो है पोर्न एडिक्शन करते हुए जो है पोर्न एडिक्शन का शिकार हो जाए और मास्टरबेशन का शिकार हो जाए, और क्या बने हमारे युवा जो पीढ़ी है वो क्या बने, BTS आर्मी बने, क्या बने पुरुषों की, जो श्री कृष्ण जो भगवान शंकर जी जो हमारे महान जो योद्धा है वो सब सिखा गया है कि ब्रह्मचर्य कैसे वीर रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से जो है अपने आप को जो है श्रेष्ठ बलवान और बुद्धिमान बनाया जा सकता है। तो ये जो है आप इसका अपमान करते हो, क्या दिखाते हैं, एक फेक प्रोपेगेंडा, घटिया प्रोपेगेंडा, और क्या कह सकते हैं इसको। उसके अलावा बाकी आपको जैसे लगे फिल्म लगी, हमें जो लगा हमने बता दिया, हमें इस फिल्म के पहले से शक था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को गलत तरीके से दिखाया, शिवलिंग को तो गलत तरीके से दिखाया, तो हमेशा सी बात है शिवलिंग पर एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा, रुको एक दिन एक आध दिन बनाएंगे। तो यही कहना चाहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष में काम को जो है गलत तरीके से दिखाया गया, मास्टरबेशन को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और पता नहीं ये लोग क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो आप इस मूवी को देखना चाहे तो देखिए, क्योंकि फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते आप चाहते हुए भी, क्योंकि 8 सर्टिफिकेट तो दिया ही गया है। बाकी हमारा यही था ओपिनियन, आपका क्या कहना है इसके बारे में, आपने क्या मूवी देखा है, आपको कैसा लगा, बाकी ये सब फुटेज कौन कैसे एक्टिंग के है सबसे कोई मतलब नहीं, मूवी का मैसेज क्या है, ये मेन टॉपिक है जो कि बहुत घटिया है। तो आपके क्या कहना है, जय श्री राम, हर हर महादेव।